भावनगर का सबसे बेस्ट नोन एड्रेस जो है वो है नीलम बाग पैलेस होटल, और हम आए नीलम बाग पैलेस होटल में और यहाँ के हेल्थ क्लब में, क्योंकि हम फिटनेस के बहुत शौकीन है। तो अंदर चलते हैं और वर्कआउट करते हैं। बाहर क्यों खड़े हैं साहब आप? मैं मसल से कर रहा हूँ। अच्छा, टाइट करना। हाँ, टाइट करना। क्या है टाइट करता है? मैं दिखा रहा हूँ, चल टाइट करना। हाँ, भाई मैं तो आ गया हूँ कंपनी ऑफ चैंपियंस। मेरे जैसे बहुत लोग मेरे को मिल गए हैं, तो मैं अभी ये है ना स्ट्रॉन्ग साइलेंट टाइप रहूंगा। रॉकी भी आप बात करिए। जी हाँ, प्लीज वेलकम विद मी जयवीर राज सिंह गोयल ऑफ द एस्क्वायर रॉयल फैमिली ऑफ भावनगर। कैसे हैं आप जयवीर? गुड टू हैव यू बोथ हियर। थैंक यू। आप काफी देर से वर्कआउट कर रहे हैं। बिल्कुल, तकरीबन अब 10 से 11 साल से मैं फिटनेस में मेरा पैशन रहा है, और 11 साल में मैंने एक भी वर्कआउट मेरा मिस नहीं किया। एक भी वर्कआउट 365 days a year. Yes, of course you have to have rest days as well. बिल्कुल। क्योंकि recovery के लिए rest बहुत ही important है। बिल्कुल। But yes, I've been regular with my workout. आंधी, तूफान, बुखार, जुकाम, कोई फर्क नहीं पड़ता। Exercise करिए, और अगर जिम बंद होएगा तो घर पे हम मुद्गल रखते हैं। आज के बारे में भी थोड़ी देर में बात करते हैं। हाँ, तो आप एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज करते हैं। आप वेस्टर्न स्टाइल वर्कआउट करने के साथ साथ एक इंडियन स्टाइल भी, थोड़ा ट्रेडिशनल इंडियन जो वर्कआउट टेक्निक्स थी उनको भी इनकॉर्पोरेट किया आपने वर्कआउट। सो व्हाट इज दैट? क्या सेंसिबिलिटी क्या है उसकी, मतलब? तो जब मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया था 10 से 11 साल पहले, तभी लाइक मोस्ट ऑफ यू नो यंगस्टर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, आपको चाहिए बाइसेप्स बड़े दिखे, ठीक है? तो फोकस ज्यादा वहां पे रहता है, बट ओवर टाइम यू गेन सम विजडम fortunately and you realize that longevity is important, health is important, and that's why I've drifted and I keep a good balance of compound movements gym ke andar, aur main mera day to day jo workout rehta hai wo akhada based rehta hai. To aapka dand, baithak, namaskar, surya namaskar, and most important mudgal. So let's go here. Aiye, ye mudgal, what is mudgal? So the mudgals we have here, they're all made by Handlebar Private Limited, company that we started to promote the ancient tools for training and for fitness. Achha. And made from pure Bhavnagari teak wood or from shisham wood. Yeah, we have both the options. Dense hardwood. लकड़ी का weight इतना होता है। बिल्कुल। और हम क्या करते हैं कि इसको प्रमोट करने के लिए इंडियन वर्कआउट के लिए भी suggest to all the youngsters, जितने भी हमारे जिम members आते हैं, ये बैलेंस रखिए, बॉडी बिल्डिंग भी करिए, पावर लिफ्टिंग भी करिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लॉन्जेविटी के लिए और लंबे समय के लिए जो चाहता है वो खड़ा है। तो याद रखिए, वेस्टर्न स्टाइल बॉडी बिल्डिंग बहुत अच्छी बात है, डाइट पर बहुत ध्यान दीजिए, सब किस्म की एक्सरसाइज करिए, लेकिन अगर आप इंडियन ट्रेडिशनल वर्कआउट भी करेंगे तो लॉन्जेविटी में कंपाउंड मूवमेंट्स, यानी कि मूवमेंट्स जहां पर आप सिर्फ लिमिटेड मूवमेंट नहीं कर रहे पर पूरी बॉडी आपकी चल रही है, काफी हेल्पफुल रहते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ अब ये कैसे किया जाता है। थोड़ा आराम से। अच्छा, आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो है मुडगल, जो ट्रेडिशनल जो इंडियन स्ट्रेंथ बिल्डिंग है, ये रिकॉर्ड की गई है, मैंने पढ़ा है किताबों में कि 2500 साल पहले भी ये जो लकड़ से जो अपना मुडगल से होता था वो अपने आप को स्ट्रेंथन करते थे। लेकिन ये फेमस तभी हुए जब इंग्लिश आए यहाँ पे और उन्होंने देखा कि भाई अप टू 100 पाउंड्स के भी वेट घूम रहे हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि उन्होंने स्टैंडर्डाइज कर दिया, उन्होंने बोला कि हम इंग्लिश लोग हैं, हम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हम इसको 4 पाउंड का बनाएगा और सारे हमारे सिपाही को 4 पाउंड का। शर्म करो यार, शर्म करो, सच में कुछ बनो, तगड़े बनो, लाइक दिस यंग मैन। तो एंटी इंग्लिश मत हो इतना, अभी पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करो। हां, मैं एंटी इंग्लिश नहीं हूं, मैं प्रो एक्सरसाइज हूं। गुड, प्रो एक्सरसाइज एंड प्रो इंडिया, बिकॉज़ ईच एंड एवरी मुद्गल मेड इन इंडिया, मेड इन भावनगर by local craftsmen in Bhavnagar. क्या बात है? So the idea is to promote craftsmen, carpentry gets promoted in the process, and the ancient Indian cultural way of working out. तो आपको एक you had the position also, आपकी मतलब कोई position भी थी पहले bodybuilding government के साथ भी आप bodybuilding encourage कर रहे थे? IBBF which is recognized by Sports Authority of India. मैं उसके लिए गुजरात का president है चुका हूँ। Okay. और 2015 में I took a resignation from that because I wanted to focus on other things and diversify more from just bodybuilding. And थोड़ा मैंने देखा है कि जैसे मैंने आपको बोला कि मेरा भी एग्जाम्पल दिया कि स्टार्टिंग में यंगस्टर ज्यादातर पिंक गन्स डोले शोले ज्यादा दिखने चाहिए, बट ओवर टाइम गोल एंड अ विजन इज टू हैव अ फिटर इंडिया एंड अ हेल्दी इंडिया, बिकॉज लाइक यू सेड, गोरे ने बोला कि 4 पाउंड कितना भारी है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ किसी को भी,
कि हमारे जो मिट्टी में जो कुश्ती होती है उन पहलवानों के सामने आप अपनी फिटनेस दिखाइए, कोई भी गोर इंसान को मैं चैलेंज करता हूं। आई थिंक वो कब करेंगे, अभी करता हूं, बट आई थिंक आई लाइक दिस आइडिया ऑफ कंपाउंड मूवमेंट को, जो मेरी समझ है विद दीस थिंग्स, ये कि ये सिर्फ इससे आप मसल्स नहीं बना रहे, इसमें जो बाकी आपका जो फ्रेमवर्क है, लिगामेंट्स हैं, सिन्यूज हैं, टेंडन्स हैं, आपका कोर है, क्योंकि आप ये जब घुमाओगे अगर आपका कोर स्ट्रांग नहीं है तो आप गिर जाओगे, मोच पड़ेगी, तो ये सारा आई थिंक बिल्कुल पूरी बॉडी को अवेयरनेस, माइंडफुलनेस बिल्कुल सब टाइट करके टू मूव इट, आई थिंक इसका भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। बिल्कुल, बिकॉज इट वर्क्स ऑन योर ग्रिप, योर फोरआर्म्स, योर शोल्डर्स, योर लैट्स, बैक, बाइसेप, ट्राइसेप, एंड कोई भी अगर आप जिम जाते हो तो आपको पता होगा 20 kg का डंबल अगर आप लेके शोल्डर प्रेस मार देंगे जी, पर इसमें 10 kg ऑल्सो मेजोरिटी पीपल विल स्ट्रगल टू move it together and balance it. You need core stability for it. And like any other exercise, you need consistency and dedication. So Jaiveer, aap besides the mudgals, aur koi Indian traditional equipment use kar rahe hain gym mein? Isse kehte hain ek ancient Indian barbell aap keh sakte hain. Jaise ye kehte hain samtola. Aur jo hamare Mr. Gujarat category winner hai Vicky Bhai Chirag Makwana, ye se kar rahe hain. Aur full body workout hai. Bahut achhi baat hai. To Mayur, aap kuch अच्छा चलिए तो मयूर एक्सरसाइज करने गए हैं तो समथिंग लाइक दिस, हाउ मच, व्हाट इज द वेट ऑफ दिस? दीज आर 11 केजीस व्हिच इज एक्चुअली नॉट वेरी गुड, नो आई वुड सजेस्ट आप स्टार्ट कीजिए इससे, ये 4 किलो हैं, हां, एंड दिस इज फॉर बेसिक बिगिनर्स, तो गुड, तो इसको जब, तो लेट्स ट्राई दिस, मैंने अभी ट्राई किया था इसे, तो जब आप इसको घुमाते हैं एक तो रिस्ट पे काफी स्ट्रेन आता है क्योंकि ये पूरा घूम के वापस आ रहा है, दूसरा एल्बो, शोल्डर, बैक और पूरा कोर आपका, ठीक है, पोस्चर भी वो इसको थोड़ा बीच में से काटेगा, यस, परफेक्ट, क्लोजर टू द बॉडी, बिकॉज़ द मूवमेंट आप दोनों हाथ में से करेंगे तो एक हाथ कंसिस्टेंटली ऐसे रहेगा, और ये आई विल यूज इट, ये नहीं हो पाएगा मुझसे, आई थिंक यू कैन यूज इट दोनों हाथ से, ट्रैक कीजिए लाइक अ गदा, गदा की जैसे, अरे लवली, वाओ, तो पूरी बॉडी का वर्कआउट हो रहा है, आई कैन फील द होल बॉडी स्ट्रेचिंग, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक्स है, इंडियन टेक्निक्स को आप अंडरमाइन मत कीजिए, अपने वर्कआउट के अंदर ये इमीडिएटली इनकॉर्पोरेट कीजिए, तो ये ऑनलाइन खरीदे जा सकते हैं, सो दिस कैन बी बॉट फ्रॉम माय कंपनी, इट्स नोन एज हैंडलबार प्राइवेट लिमिटेड, राइट, एंड जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन यू नो इंस्टाग्राम और ट्विटर, फैंटास्टिक, वी शिप दिस वर्ल्ड वाइड, एंड बिकॉज़ आई हैव बीन एसोसिएटेड विद दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग फॉर मोर देन 5 इयर्स, 5 साल से ज्यादा तक मैंने मुद्गल के ऊपर फोकस किया है, तो अब तक एक बेसिक नॉलेज तो है इसके ऊपर, और जितने भी हमारे बिगिनर कस्टमर्स हैं उनको हम एक फ्री ट्यूटोरियल वीडियो भी भेजते हैं। क्या बात है, और आप, यू आर इन फैंटास्टिक शेप, आई मस्ट से, नॉट नॉट टू बैड, नॉट टू बैड एट ऑल, आर यू कम हियर, हेलो वेरी गुड क्वालिटी पैच, उसमें प्रोटीन खूब सारे होते हैं, बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, और जो मेरा 24 मंत्र ऑर्गेनिक वाला पीनट बटर है, सुपर क्रीमी, नो प्रिजर्वेटिव्स, तो मतलब इससे अच्छा क्या हो सकता हेल्थ के लिए और मास बिल्डिंग के लिए, यस, न्यूट्रिशन अच्छी रखिए, वर्कआउट खूब कीजिए, एक्सरसाइज रेगुलरली कीजिए, और फिट रहिए, हाँ, इसका कारण है, जरा ऊपर पढ़िए क्या लिखा है, नहीं नहीं यहाँ मेरे सर के पीछे क्या लिखा है, My instinct was to win, eliminate anyone who is in competition, destroy by enemy and move on without any kind of hesitation at all. Yes, मेरा एनिमी पता कौन है? कौन? You.